हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब आज हम बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन टेंथ सीबीएसई और आईसीसी दोनों का चैप्टर है तो टेंथ का जो ये चैप्टर है उसका हम लोग रिवीजन करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है उसके कुछ हमने एमसीक्यूज लिए हैं ताकि सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर हो पाए सो तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये एमसीक्यूज क्वेश्चन है बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब हमें ये बताना है कि इन चार ऑप्शंस ए बी सी डी में से कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है क्वाड्रेटिक नहीं है क्वेश्चन नंबर वन का जो सोलूशन है अगर मैं वो बताऊं तो क्वाड्रेटिक आपको पता होगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो ऐसा दिखता है कैसा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टू जीरो इस टाइप का इक्वेशन मतलब राइट हैंड साइड पूरी जीरो होनी चाहिए यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री टू होनी चाहिए फिर एक्स का टर्म फिर कॉन्सेंट ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है अगर मान लो ऐसा लिखा है ए एक्स प्लस बी एक्स तो भी ये क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक्लस सी तो भी ये क्वाड्रेटिक्लस सी तो, तो ये क्वाड्रेटिक था ये भी क्वाड्रेटिक है बट दिस इज लीनियर दिस नॉट क्वाड्रेटिक तो आपको ये समझ आना चाहिए क्वाड्रेटिक के लिए हाईएस्ट डिग्री टू टर्म अवेलेबल होना चाहिए इन इक्वेशन। अगर मैं सॉल्व करना शुरू करूं तो अगर ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ए पार्ट अगर मैं चेक कर रहा हूं तो ए पार्ट में कुछ ऐसा दिया है एक्स प्लस टू होल स्क्वायर इक्वल टू टू टाइम्स एक्स प्लस थ्री यहां पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस फोर एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस सिक्स ऐसे लिखा है ठीक है अब हम क्या कर सकते हैं इसको राइट हैंड साइड ये वाली साइड को हमें जीरो बनाना है मतलब ये टर्म इधर शिफ्ट करने एक्स स्क्स टू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो अगर मैं ये पूछूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमें ऑप्शन ढूंढना कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है अब मैंने बी पार्ट चेक करके देखा बी पार्ट बी पार्ट में क्या दिया है एक्स स्क्वाइनस वन टाइम्स थ्री एक्स ऐसा दिया इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं सिंप्लीफाई करके देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स यहाँ पे माइनस वन प्लस थ्री एक्स ये थ्री एक्स से थ्री एक्स कैंसिल एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है रीजन क्या है इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है तो ये भी quadratic है और ए पार्ट भी quadratic है सी पार्ट चेक करते हैं पार्ट चेक करेंगे बच्चों सी में क्या लिखा है एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन और यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री ऐसे दिया हमसे पूछा यार चेक करो ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं तो हमें नहीं चाहिए तो x इस इसको सिंपलिफाई करेंगे जब मल्टीप्लाई तो ये x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x एंड माइनस 1x तो x माइनस 2 यहां पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ये कैंसिल हो जाएगा ये माइनस 2x इसके पास आएगा और ये माइनस यहां यह तो क्या हो जाएगा थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो हो जाता है बच्चों लीनियर इक्वेशन सी पार्ट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या है बच्चों लीनियर इक्वेशन तो ये हमारा आंसर है क्यों ये आंसर क्यों है भाई क्योंकि उन्होंने कुछ पूछा है मेरे से कि कौन सा पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो सी पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ठीक है ये क्वेश्चन था आपका इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू ये क्वेश्चन नंबर टू जो है वो बच्चों सिमिलर है वो आप खुद सॉल्व करो कैसे ऐसे ही ए पार्ट जैसे उठाया ए पार्ट में क्या लिखा है एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन ठीक है इक्वल्स टू एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस थ्री ये ऐसा दिया है इसको सिंप्लीफाई कर लो देख लो इस बार ये पूछ रहे कौन सा क्वाड्रेटिक है ये चेक करते हैं पहले ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री ये कैंसिल हो गया ये x वाला टर्म इधर और ये कांस्टेंट यहां तो कितना हो जाएगा थ्री एक्स माइनस फाइव इक्वल टू तो ये क्या हो गया लीनियर सो ए पार्ट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व कर रहा हूं तो इसका मतलब है बी पार्ट चेक करना पड़ेगा सी पार्ट डी पार्ट तो आप ये खुद से करने वाले ठीक है रूट मतलब क्वेश्चन नंबर थ्री में क्वेश्चन नंबर थ्री का जो सोल्यूशन है उसमें क्या पूछ रहा है हमसे हमसे पूछ रहा है कि जो x इक्वल्स टू टू है मतलब ये जो टू है बच्चों, ये जो टू है टू ये वाला जो टू है वो रूट है और किस इक्वेशन का रूट है कौन सी क्वाड्रेटिक का रूट है रूट का मतलब X की वैल्यू, मतलब ये अगर मैं कर दूं तो किस इक्वेशन को किस क्वाड्रेटिक को ये सेटिस्फाई satisfy करेगा सेटिस्फाई करेगा मतलब उसका एलएचएस और आरएचएस बराबर हो जाएगा ठीक है तो मैंने क्या किया ये एक्स इक्वल टू टू रख के देखा कहां पे रखा मैंने पहले ए पार्ट में substitute किया क्या है ए पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो क्या करेंगे टू का स्क्वायर फोर इंटू टू प्लस फाइव इक्वल टू जीरो फोर माइनस एट प्लस फाइव सू जीरो फाइव प्लस फोर नाइन होता है नाइन माइनस एट इक्वल टू जीरो आ गया वन क्या ये ट्रू है नहीं वन इक्वल टू जीरो होता ही नहीं है इसका मतलब एक्स इक्वल टू टू इज नॉट सेटिस्फाइंग क्यों बिकॉज राइट हैंड साइड में जीरो आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में वन आ रहा है दिस इज नॉट इक्वल हेंस जो एक्स इक्वल टू टू है हस एक्स इक्वल टू टू इज नॉट रूट इसका रूट नहीं है रूट ऑफ दिस इक्वेशन मतलब जो ए पार्ट है इसमें एक्स इक्वल टू टू इसका तो रूट पक्का नहीं अगर होता तो यहां जीरो आता चलो हम इसका बी पार्ट चेक करते हैं बच्चों बी पार्ट इसका बी पार्ट चेक किया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व अब इसमें एक्स की ये वाली वैल्यू टू सब्सिट्यूट करके देखते हैं क्या हो जाएगा फोर सिक्स माइनस ट्वेल्व ये कितना होता है टेन माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो माइनस टू इक्वल टू जीरो क्या ये सही है नहीं क्यों माइनस टू एंड जीरो आर नॉट इक्वल इट मींस जो ये हमने रूट मतलब टू लिया है ये टू इसका सोल्यूशन नहीं है सी पार्ट चेक करते हैं सी पार्ट क्या है देखो जरा टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स ठीक है इसमें हमने x की वैल्यू टू रख दी टू टू का स्क्वायर सेवन इंटू टू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पे आ जाएगा एट माइनस फोर्टीन प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो इन दोनों को सम करो तो ये कितना फोर्टीन फोर्टीन माइनस फोर्टीन सू जीरो इक्वल टू जीरो मतलब अगर मैं यहां पे बात करूं इस चीज की तो यहां पे टू रखने से सी वाले पार्ट में इस पार्ट में अगर मैं एक्स इक्वल टू टू रख रहा हूं तो ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है इस क्वाड्रेटिक को इसका मतलब जो क्वा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टू इसी का रूट है या फिर बोल सकते हैं ये जो टू है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है बिकॉज ये इसको कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है ठीक है सो सी पार्ट इज द आंसर ठीक है अब सिमिलरली अगर हम चाहें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं जाऊं क्वेश्चन नंबर फोर का सोल्यूशन क्या है फोर का सोल्यूशन देखो क्वेश्चन नंबर फोर में क्या दिया है फोर में दिया है ये जो हाफ है वन बाई टू ये रूट है मतलब x की वैल्यू रूट मतलब बेटा x की वैल्यू ये वन बाई टू जो है इस दिस इज रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक कौन सा क्वाड्रेटिक इसका रूट एक्स की वैल्यू उठा के इसमें सब्सिट्यूट कर दो क्योंकि वो बोल रहा है कि वन बाई टू इस गिवन क्वाड्रेटिक का रूट है तो सब्सिट्यूट दिस वैल्यू एक्स की वैल्यू यहां पे रख दो ये एक्स की वैल्यू यहां रख दो तो क्या हो जाएगा वन बाय फोर प्लस के इंटू वन बाय टू माइनस फाइव बाई फोर इक्वल टू जीरो यहां पे क्या हो जाएगा वन बाय फोर प्लस के बाय टू इसको ऐसे लिख सकते हैं फाइव बाय फोर इसको यहां घटा सकते हैं सिंप्लीफाई करना है अभी तो के बाय टू तो कितना आ जाएगा वन आ जाएगा ये फाइव बाई फोर माइनस वन बाय फोर फोर बाय फोर हो जाएगा जो वन होता है तो के की वैल्यू यहां से आने वाली है टू के कितना हो गया बच्चों टू सो ए पार्ट इज आंसर दिस ए पार्ट ठीक है शायद आपको समझा होगा क्या किया मैंने ये क्वेश्चन अगर मैं बोलूं आपको अगर मैं आपको बोलूं ये क्वेश्चन तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट ये ऐसे क्वेश्चंस बच्चों खूब आते हैं एग्जाम में कि एक रूट दे दिया जाएगा और उसमें के एम एन पी ऐसी कोई ना कोई वैल्यू आपसे पूछी जाएगी सो so ये क्वेश्चन पे मैंने मार्क किया दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट ये एक रूट दिया है इसका वो उठा के इसमें सब्सिट्यूट कर दो कहां पे एक्स की जगह और के निकाल लो ये वाला तरीका ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है ठीक है आगे अपन चलते हैं बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर फाइव सो क्वेश्चन नंबर अगर मैं फाइव की बात करूं तो सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव में सेम क्वेश्चन दिया है अगर मैं फाइव का क्वेश्चन देखूं तो दिस वन बाय टू एक्स इक्वल्स टू वन बाय टू दिस रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक कौन सी क्वाड्रेटिक 4x square minus 4kx plus 5 equal सूची इसका क्या है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये one by two इसका रूट है फाइंड k तो सिमिलर क्वेश्चन है जस्ट कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा थोड़ा इंटेंस क्वेश्चन दिया है तो x की वैल्यू उठा के यहां रख दो क्या हो जाएगा four into one by two का स्क्वायर फोर के वन बाई टू प्लस फाइव इक्वल टू जीरो यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर इंटू वन बाई फोर माइनस फोर के इंटू वन बाई टू प्लस फाइव इक्वल टू जीरो कैंसिल हो गया ये टू ये हो गया टू के सो वन माइनस टू के प्लस फाइव इक्वल टू जीरो सिक्स माइनस टू के इक्वल्स टू जीरो सो टू के इक्वल टू सिक्स सो के इक्वल्स टू थ्री ये हमारा फाइनल आंसर आया k इक्वल टू थ्री बट इसमें कौन सा आंसर है अगर मैं पूछूं इसमें जाके तो C पार्ट इज आंसर जो C पार्ट है वो हमारा आंसर शायद आपको क्वेश्चन समझा होगा इसके बाद अगर मैं पूछूं दूसरा क्वेश्चन सोल्यूशन सिक्स का सोल्यूशन द रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इक्वल टू इक्वेशन दिया इसके रूट पूछ रहा है मतलब इसका सोल्यूशन पूछ रहा है करना क्या है वो समझो इस इक्वेशन को इस बार सॉल्व करना है तो हमारे पास दो मेथड है एक फैक्टराइजेशन मेथड है और दूसरा मेथड है बच्चों कौन सा फॉर्मूला मेथड तो कोई भी मेथड लगा सकते हो क्योंकि उन्होंने सिर्फ बोला है रूट निकालो कहां से किस मेथड से निकाले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम ऐसा भी कर सकते हैं यहां पे आप समझदार हो माइनस फाइव प्लस टू स्प्लिटिंग मिडल टर्म तो यहां से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू एक्स माइनस टेन इक्वल ये इसको ऐसे पेयरिंग कर देते हैं। x कॉमन ले लिया x माइनस फाइव और इस ग्रुप से कितना कॉमन आ रहा है टू तो यहां से x माइनस फाइव इक्वल टू जीरो माइनस फाइव एंड x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो अब आपको पता होगा अगर ये दो ब्रैकेट्स हैं और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो हो रहा है तो हमें इन दोनों को जीरो करना है सेपरेटली एक्स माइनस फाइव जीरो और एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी फाइव और यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू सो हमारे पास आंसर आ गया फाइव एंड माइनस टू सो बी पार्ट इज आंसर दिस बी पार्ट बी पार्ट इज आंसर ठीक है साइड बच्चों आपको यह समझा होगा आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर सेवन में इसका सोल्यूशन हमें बोला जा रहा है वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोएफ़िशिएंट इज मतलब एक रूट ऐसा दिया थ्री माइनस अंडर रूट फाइव अपॉन टू देन ऑदर रूट फाइंड ऑदर रूट ये पूछा जा रहा है अदर रूट क्या है तो आप ऐसे समझ लो अच्छे से ध्यान दो बेसिकली uh, जब इर रूट्स रूट होते हैं यहां पे ये जो रूट है ये इेशनल है क्वाडेटिक के दो रूट होते हैं और अगर एक रूट इेशनल है तो हंड्रेड परसेंट दूसरा रूट भी इेशनल होगा दूसरा रूट भी कैसा होगा इेशनल और इसका कॉन्जुगेट होगा अब बच्चों कॉन्जुगेट क्या होता है तो कॉन्जुगेट समझने के लिए कुछ नहीं करना है जैसे रैशनलाइजेशन करते थे ऑपोजिट साइन के साथ वही सेम कहानी है यहां पे। क्या करना है ये वाला जो नंबर है अगर मैं यहां पे ये वाला वन रूट इस रूट को क्या है ये थ्री माइनस अंडर रूट फाइव अपॉन टू ये एक रूट है तो दूसरा रूट क्या होगा दूसरा जो रूट आएगा वो सेम आएगा बस ऑपोजिट साइन के साथ ये इसका आंसर हो जाएगा थ्री प्लस अंडर रूट फाइव अपॉन टू क्वेश्चन बहुत छोटा सा है जैसे मान लो मैं आपको इस पर थोड़ा और एक्सप्लेनेशन दूं किसी ने बोला कि क्वाड्रेटिक है उसका एक रूट टू प्लस अंडर रूट थ्री है वन रूट ये है तो अगर वन रूट ये है तो जो सेकंड रूट होगा वो होगा टू माइनस अंडर रूट थ्री किसी ने बोला वन प्लस अंडर रूट थ्री अपॉन टू है एक रूट तो अपना दूसरा रूट हो जाएगा वन माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन टू किसी ने बोला टू माइनस अंडर रूट अपॉन एक रूट है तो क्वाड्रेटिक का दूसरा रूट बताओ तो टू प्लस अंडर रूट फाइव अपॉन सेवन अगर क्वाड्रेटिक के रूट्स इशनल हैं तो रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं इसको कॉन्जुगेट पेयर बोलते हैं मतलब एक प्लस वाला और एक माइनस वाला बाकी क्वांटिटीज आर सेम ठीक है अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर एट में क्वेश्चन नंबर एट में क्या बोला है द इक्वेशन ऑफ दिस क्या लिखा है टू एक्स स्क्वाइनस फाइव एक्स प्लस के प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज हैज इक्वल रूल्स फाइंड के पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं बच्चों ध्यान दो थोड़ा सा पहले मैं एक चीज समझा दूं ये जो क्वेश्चन है ना ये यूनिक है पूछा जा सकता है यूनिक क्वेश्चन है कैसे कि अगर रूट इेशनल है तो पेयर में आएंगे एक क्वेश्चन एक रूट दिया रहेगा दूसरा रूट आपको फाइंड करना रहेगा बताना रहेगा ठीक है डायरेक्टली ये वाला क्वेश्चन प्रोसीजरल है मींस ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है जो अभी अपन कर रहे ये क्वेश्चन नहीं आया तो इसके टाइप का तो क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट आने वाला है तो मैं यहां पे थ्री स्टार मार्क कर रहा हूं हंड्रेड परसेंट आएगा ठीक अब इसका कंडीशन क्या मतलब इसको सॉल्व कैसे करते वो देखो मान लो ये क्वाड्रेटिक दिया है मानना नहीं ये क्वाड्रेटिक गिवन है और उसमें बोला जा रहा है कि इसके रूट्स कैसे इक्वल इक्वल रूट्स है तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं ए इसका कितना हो जाएगा टू और बी यहां कितना हो जाएगा माइनस फाइव सी कितना हो जाएगा के प्लस थ्री ये ए बी सी तीन रूट्स हो गए Uh, हम हमें दिया है क्वेश्चन के अंदर रूट्स आर रूट्स आर रियल एंड इक्वल अगर रियल नहीं भी दिया जाता इक्वल दिया जाता तो भी मैं ऐसे ही लिखता रूट्स आर रियल एंड इक्वल अगर ये गिवन है तो हम क्या करेंगे जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा जीरो नेचर ऑफ रूट्स लगा रहे डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू क्या आने वाला है जीरो बी की वैल्यू बताओ माइनस फाइव उसका स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी के प्लस थ्री इक्वल टू जीरो ये कितना हो गया ट्वेंटी फाइव माइनस एट के प्लस थ्री इक्वल टू जीरो इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं अब फाइंड के के निकालना है अपन को क्या करेंगे ट्वेंटी फाइव इधर ही रखा एट तो के प्लस ट्वेंटी फोर ये ट्वेंटी फोर यहां ले आओ तो वन इक्वल टू एट के जो वैल्यू आएगी इट इज वन बाय एट ये हमारा फाइनल आंसर आएगा के सो सी पार्ट इज आंसर कौन सा आंसर है बेटा सी पार्ट इज आंसर आगे चलते हैं देखते हैं द वैल्यू ऑफ के फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा दिए क्योंकि ये क्वेश्चन 100% आते ही हैं कि आपको दे दिया जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बोला जाएगा इसके रूट्स इक्वल हैं फाइंड करो के k, k, तो यहां पे के दिया है x में क्वाड्रेटिक है बट x के अलावा कोई वेरिएबल दे दिया जाएगा m दे दिया जाएगा n दे दिया जाएगा तो यहां पे क्या दिया उन्होंने k बोल रहे हैं इस तो सेम क्वेश्चन है सिमिलर तो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर नाइन क्या करना है देखो टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के इक्वल टू जीरो तो हमें बोला जा रहा है इसके रूट्स इक्वल है रूट्स आर रूट्स आर इक्वल अगर रूट्स इक्वल है दिस इंप्लाइज इस क्वाड्रेटिक के रूट्स इक्वल है तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू क्या रखना पड़ता है जीरो बी स्क्वायर बी देखोगे तो माइनस के है फोर ए की वैल्यू अगर देखूं तो टू है सी की वैल्यू के है इक्वल टू जीरो ऐसा आता है यहां से के कॉमन ले लिया तो के माइनस एट इक्वल टू जीरो यहां से सिंप्लीफाई करोगे ये दो ब्रैकेट हैं तो K के जीरो करोगे और जब इसको जीरो करोगे तो के की वैल्यू क्या आएगी एट सो जीरो एंड एट आर दी आंसर तो के की वो वैल्यू पूछ रहे तो डी पार्ट इज आंसर कौन सा पार्ट आंसर है बच्चों डी पार्ट इज आंसर ठीक अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन में क्वेश्चन टेन क्या बोला जा रहा है टेन में देखो इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस टू के इक्वल टू जीरो हैज इक्वल रूट्स हैज इक्वल रूट्स अब ये मेरे को बताना नहीं चाहिए आपको खुद करना चाहिए सिंस ए कितना है थ्री बी कितना है माइनस के और सी कितना है टू के रूट्स आर आर रियल एंड इक्वल इज डिस्क्रिमिनेंट इज जीरो माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो तो बी कितना हो जाएगा माइनस के का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी जीरो तो यहां से क्या आ जाएगा के स्क्वायर माइनस के इक्वल टू जीरो सो के कॉमन ले लिया के माइनस ट्वेंटी फोर इक्वल टू जीरो सो के वैल्यू आ जाएगी जीरो एंड ट्वेंटी फोर सो ये हमारा आंसर आ जाएगा डी पार्ट इज आंसर सेम टाइप के क्वेश्चन थे नाइन और टेन सिमिलर क्वेश्चन बट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मैं फिर बता दे रहा हूं कि ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा है ठीक है आगे चलते देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एलेवन इलेवन so में क्या दिया हुआ सेम क्वेश्चन है अभी सॉल्व नहीं करना चाहिए बट इलेवन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो मैं जरूर सॉल्व करूंगा क्वेश्चन इलेवन प्रोसीजर सेम है इसका के प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस टू के माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स फिर से इक्वल हैं रूट्स इक्वल हैं लिखा है इक्वल रूट्स अगर रूट्स इक्वल है तो आपको यहां पे क्या लिखना है ए इज के प्लस वन बी एज माइनस टू के माइनस वन एंड सी इज वन मैंने इसको ए बोला है ये वाले पार्ट को ए बोला है ये एक्स का जो कोएफिशिएंट है ये बी है और ये सी है ए बी सी डी जीरो करना पड़ेगा डी क्यू जीरो कर रहे हैं रूट आर इक्वल तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो अब बी की वैल्यू देखो तो ये भी है इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा फोर के माइनस वन होल स्क्वायर माइनस फोर इन टू ए के प्लस वन सी कितना है वन इक्वल टू जीरो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं फोर कॉमन लेके भेज सकते बाहर के माइनस वन होल प्लस वन इक्वल टू जीरो पे क्या हो जाएगा माइनस वन प्लस वन के स्क्वायर प्लस वन माइनस टू के इक्वल टू के प्लस वन इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा भाई के स्क्वायर माइनस थ्री के इक्वल टू जीरो माइनस थ्री आंसर so आएंगे के की वैल्यू जीरो कॉमा थ्री दीज आर टू रूट ठीक है आगे अगर हम चले तो क्वेश्चन नंबर क्या मिलेगा ट्वेल्थ ट्वेल्थ क्वेश्चन में क्या दिया देखो द इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो इक्वेशन हैज रियल एंड डिफरेंट रूट डिफरेंट रूट्स Has real and different तो हम क्या करेंगे यहां से ए लिख लिया टू है बी क्या है माइनस सिक्स और सी कितना पी ठीक है बी एंड सी ए बी सी निकाल लिया बोले रूट्स रियल एंड डिस्टिंग है या डिफरेंट है ए की बात है तो अगर ऐसा होता है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होता है क्या लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट दिस इंप्लाइज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो बी स्क्वायर माइनस फोर ए ग्रेटर देन जीरो बी स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है थर्टी सिक्स माइनस फोर इंटू ए इंटू सी ग्रेटर देन जीरो यहां से क्या आ जाएगा थर्टी सिक्स माइनस एट पी ग्रेटर देन जीरो ठीक है सो so, यहां से आ जाएगा एट पी ठीक है एट पी थर्टी सिक्स तो यहां से p क्या आ जाएगा थर्टी सिक्स अपॉन एट फोर से फोर टू जा फोर नाइन जा तो p इज लेस देन नाइन अपॉन टू पी इज लेस देन नाइन अपॉन टू सो ए पार्ट इज आंसर अगले क्वेश्चन में चलते हैं अगले क्वेश्चन में ऐसा दिया है थर्टींथ uh, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन का सल्यूशन देखो क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्या दिया है थर्टीन क्वेश्चन में क्वेश्चन थर्टीन सोल्यूशन क्या दिया है जिसको ऑर्ट्रेटिक इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट फाइव एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो उसके रूट्स पे कमेंट करना है मतलब क्या बताना है नेचर ऑफ रूट्स क्या बताना है नेचर ऑफ रूट्स बताना है तो पहले ए लिखो ए कितना है टू बी कितना है माइनस अंडर रूट फाइव सी कितना है वन ठीक है सो डी निकालना पड़ेगा नेचर निकाल ऐसा वो दिया नहीं है कि इक्वल रूट है डिस्टिंग रूट है बताओ कैसे हैं तो डी का नेचर कैलकुलेट करो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करो तो फाइव आ जाएगा माइनस फोर इंटू ए इंटू सी सी तो वन है फाइव माइनस एट माइनस थ्री तो डी की वैल्यू आ रही है निगेटिव कैसी वैल्यू आ रही है निगेटिव जीरो से कम है डी इज लेस देन जीरो तो रूट आर रूट्स आर इमेजिन ठीक है या इमेजनरी बोल सकते हो नॉन रियल बोल सकते हो ठीक है क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14 में विच ऑफ दी फॉलोइंग क्वाड्रेटिक हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इसमें सब आपको चेक करना पड़ेगा मैं ए पार्ट करके बता दे रहा हूं एक क्वाड्रेटिक दिया है 2x2 3 √2x 9 4 0 इसमें ए की वैल्यू देखा टू है बी कितना है माइनस थ्री रूट टू एंड सी कितना है नाइन बाई फोर इसका डी निकालो क्योंकि रूट्स के बारे में पूछ रहा है कि डिस्टिंक्ट रूट किसके है? तो डी अगर ग्रेटर देन जीरो आ गया तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आ जाएंगे तो डी निकाला बी स्क्वायर माइनस की वैल्यू इसका स्क्वायर करोगे माइनस का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू ये कैंसल

वन का स्क्वायर माइनस फोर ए सी वन प्लस ट्वेंटी ट्वेंटी वन जो डी आ रहा है इट इज ग्रेटर देन जीरो अगर डी पॉजिटिव आता है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट ये जो सेकंड पार्ट आया बी उसमें डी क्या आया मतलब जो बी पार्ट है उसका जो डिस्क्रिमिनेंट निकाला है वो ग्रेटर देन जीरो आया अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है इट मींस उसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आने वाले चाहो तो आप कैलकुलेट करके देख लो सो बी पार्ट इज जाएं, क्वेश्चन नंबर 15, 15 का सॉल्यूशन देखो व्हिच ऑफ हैज़ नो रियल रूट फिर से इसमें बहुत कहानी चेक करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री रूट टू बच्चों ये क्वाड्रेटिक दिया हमसे पूछ रहा है नो रियल रूट मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालो और जिस भी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ गया मतलब लेस देन जीरो डी की वैल्यू लेस देन जीरो आ गई जीरो से छोटी तो मतलब वो क्वाड्रेटिक का कोई रियल रूट नहीं होगा तो इस क्वाड्रेटिक का चेक करते हैं ए कितना यहां वन बी कितना यहां माइनस फोर और सी कितना है यहां पे थ्री रूट टू डी चेक करते हैं डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी यहां पे इट इज सिक्सटीन रूट टू अब इसको चेक करना पड़ेगा कि भाई आ, कौन सी वैल्यू लाइक ये बड़ा है या ये बड़ा है क्या बड़ा है तो अगर मैं चेक करूं तो ये वैल्यू अगर मैं चेक करूं तो ये वैल्यू आती है कितनी इट इज अराउंड स्क्वायर स्क्वा कर लो दोनों का वैसे तो सिक्सटीन और यहां पर ट्वेल्व तो यहां देखें देखे माइनस ट्वेल्व फोर जा माइनस जीरो पॉइंट एट कह रहा हूं मतलब डी जो आ रहा है वो तो लेस देन जीरो आ रहा है सो रूट्स आर नो रियल रोड्स समझा होगा शायद आपको यहां तक इसमें डिस्क्रिमिनेंट का काफी ज्यादा रोल है इससे पहले अगर मैं बात करूं हमने बहुत अच्छे से पढ़े पढ़ा है ये आ, अगर जो d है d की वैल्यू क्या होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस फोर ए ये होता है अगर ये d निकाला जीरो आ गया तो हम लिखते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल अगर डी निकाला और वो आ गया जीरो से बड़ा तो हम लिखते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट अगर डी निकाला और वो लेस देन जीरो आ गया ठीक है डी की वैल्यू इक्वल टू जीरो ये डी ग्रेटर देन जीरो और ये डी लेस देन जीरो तो रूट्स आर इमेजनरी ऐसा आ जाए ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट uh, का कौन अगर किसी क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया कि है कि रूट्स सर रियल एंड इक्वल हैं, तो हम डिस्क्रिमिनेंट सीधे जीरो कर देंगे दिया कि है कि रूट्स सर रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो हम डी ग्रेटर देन जीरो ले लेंगे ले ले ले। अगर दिया है कि रूट इमेजनरी uh, है नॉन रियल है तो डी लेस देन जीरो ले लेंगे ले ले। ये था नेचर ऑफ रूट्स ये उसका कॉन्सेप्ट था तो आपको ये समझा होगा एक ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा यूज हुआ है दूसरा अगर मैं आपसे बोलूं एक फॉर्मूला मेथड था हमने नहीं लगाया सी अपॉन टू ए ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला मेथड है जो आपको याद रखना चाहिए ठीक है एक ये है ये दो चीजें काफी ज्यादा है यूज हुई है मतलब इस जो हमने क्वेश्चंस लिए थे उसमें तो नहीं हुई है बट काफी ज्यादा यूज होती है वो आता है क्वेश्चन जिसमें बोला जाता है कि आप टू डेसिम करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस तक अपना आंसर लीव करो उसमें ये वाला फॉर्मूला मेथड जरूर लगता है एक क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड होता था तो ओवरऑल ये सारी चीजें हैं अगर आपको ये चैप्टर बहुत क्लियरली समझना है तो आपको एक बार इसके पूरा जो मैंने क्वाड्रेटिक समझाया अभी 15 क्वेश्चंस लिए उसको अच्छे से समझना चाहिए देखना चाहिए ठीक है थैंक यू जय हिंद जय भारत